नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। गंगाराम राशि रत्न केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा राशि रत्न पहनने से लाभ मिलता है या लाभ नहीं मिलता, या आंशिक लाभ यानी कि कुछ कम लाभ मिलता है, इसके क्या मापदंड हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, सभी तथ्यों को आपके सामने रखने का मैं प्रयास करूंगा। इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यदि राशि रत्न पहनने से ही सब कुछ हो जाता तो रत्नों की दुकान करने वाले रत्नों को बेचते नहीं, बस केवल पहनते। बात तो विचारणीय है। ऐसे लोगों से मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस दुनिया में कौन सा ऐसा MBBS डॉक्टर है जिसके परिवार के लोग बीमार नहीं पड़ते। इस कैलकुलेशन के, इस गणित के हिसाब से तो सारे जो डेयरी वाले हैं, जो डेयरी के दूध के व्यापारी हैं, उनके बच्चों को ओलंपिक लाना चाहिए, गोल्ड मेडल लाना चाहिए। इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो किसी भी नेता को कभी चुनाव में नहीं हारना चाहिए और बड़े बिजनेसमैन लोगों के पास में पैसे की कमी नहीं होती। महंगे से महंगा रत्न पहनकर उनको बिजनेस में कभी घाटा होना ही नहीं चाहिए। तो यह तर्क कम से कम एक बुद्धिमान व्यक्ति के गले से नीचे तो नहीं उतरेगा। एक दूसरे से मिलकर ही समाज चलता है, एक दूसरे से जुड़कर ही समाज चलता है। प्रिय मित्रों, मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि राशि रत्न पहनने से लाभ मिलता है, लेकिन संपूर्ण लाभ नहीं मिलता, आंशिक लाभ मिलता है, कम मात्रा में लाभ मिलता है। यदि आपको संपूर्ण लाभ लेना है तो तीन विषयों पर काम करना होगा। हमारे धर्मशास्त्रों में, वेदों में, रावण संगीता, भृगु संगीता, नारद संगीता आदि बड़े ग्रंथों में, उपनिषदों में, हमारे पुराणों में मंत्र, मणि और औषधि, इन तीनों का वर्णन मिलता है। तीन चीजों पर हमें काम करना होता है। यदि आपको ग्रह से संबंधित संपूर्ण फायदा चाहिए तो तीन चीजों पर काम करना होगा। आपको मंत्र विज्ञान की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, आपका रिसर्च होना चाहिए, औषधि विज्ञान पर आपकी पकड़ होनी चाहिए और रत्न विज्ञान की आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि आपका रत्न साफ सुथरा है, शुद्ध है, अच्छी क्वालिटी का है, टूटा फूटा नहीं है, आपने सही मेटल में अंगूठी बनवाई है, आपने सही मुहूर्त में धारण किया है, सही नियत से धारण किया है, तो कोई कारण नहीं है कि आपको रत्न धारण करने का लाभ न मिले। 100% लाभ मिलेगा। लेकिन रत्न धारण करने से पहले आप अपनी जन्मपत्री, हस्तरेखा, नाम राशि के अनुसार जैसी भी सुविधा हो, योग्य ज्योतिषी का मार्गदर्शन जरूर प्राप्त करें। दोस्तों, जिस देवता का आप रत्न पहनते हैं उस देवता से संबंधित साधना की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो जहां तक मेरा अपना मानना है, धर्मशास्त्रों का जो लिखित रूप में, प्रमाणिक रूप में धर्मशास्त्रों में जो किताबों में लिखा हुआ है वह यह है कि रत्न धारण करने से व्यक्ति को ग्रहों से संबंधित आंशिक यानी कि कुछ परसेंटेज में, लमसम 30% तक लाभ हो जाता है। बाकी आपका व्यवहार, आपका चरित्र, और मैं एक बात बहुत क्लियर यहां पर कर दूं, रत्न धारण करने से व्यक्ति की क्षमताएं बढ़ती है, कैपेसिटीज बढ़ती हैं, आसपास का वातावरण निर्मित होता है। मेहनत तो फिर भी आपको ही करनी पड़ेगी,
मैं लंबे समय से ज्योतिष का जानकार हूँ, ज्योतिष का अध्यापक हूँ, वर्तमान में राशि रत्नों का व्यापारी हूँ, मैं बढ़िया से बढ़िया रत्न पहन सकता हूँ। अगर रत्न धारण करने से ही सब कुछ होता तो मुझे वीडियो बनाने की, प्रचार करने की, रत्न बेचने की, आप लोगों के फोन सुनने की कोई ज़रूरत ना होती। प्रिय मित्रों, अगर केवल दूध पीने से ही व्यक्ति पहलवान बन जाता तो डेयरी वालों के बच्चे गोल्ड मेडल ले आते हैं। पैसा ही सब कुछ होता तो फिर अंबानी और अडानी के बच्चे ही प्रधानमंत्री बनते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री बनने के लिए अपनी योग्यता चाहिए, बिजनेस के लिए अलग योग्यता है। रत्न, मंत्र, औषधि ये केवल आपकी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, एनर्जी बूस्टर हैं, आपको एनर्जी देते हैं। इस विषय को और भी गंभीरता से, मैच्योरिटी के साथ समझने की आवश्यकता है। यदि हमें सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल जाए, यदि हमें सही समय पर सही एनर्जी मिल जाए, हमें सही समय पर अध्ययन करने का एक चांस मिल जाए, हमें सही समय पर बिजनेस के लिए पैसा मिल जाए, हमें सही समय पर अनुकूल गाइडलाइन मिल जाए, तो व्यक्ति जीवन में बहुत आगे जा सकता है। रत्न हमारे जीवन की बहुत सारी कमियों को पूरा करता है, और जो कैपेसिटीज हमारे अंदर बहुत लो थी, अगर वो अच्छी होकर के हमें आ जाए, हमें प्रकृति से सहायता मिले, तो मेहनत करना फिर हमारा काम है। रत्न के भरोसे बैठना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी, वो भी मुस्कुराते हुए ऐसे।